प्रथम तहलका न्यूज। बीते दिनों सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रखे गए आईजी कार्यालय के घेराव में भाग लेने गए किसान की क्रांतिमान पार्क में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक किसान 66 वर्षीय रामचंद्र खर्ब पहले दिन से ही किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और काफी दिनों तक टीकरी बॉर्डर पर ही रहते थे। उगालन में किसान के मौत की सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। हिसार के सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव को परिजनों के हवाले करवा दिया गया। उगालन के हमारे एक बहुत बढ़िया साथी रामचंद्र सेक्रेटरी, जो हमारे जो तपा प्रधान भाई जगदीश जी थे, वो कहीं इधर उधर होते थे, उनकी भी पूर्ति करते थे। आज वो हमारे बीच से चले गए और हमने जब पता चला तो हमारी जो जत्थेबंदियों की जो हमारी पंचायत थी, हमने पंचायत में वहाँ 2 मिनट का मौन रखा और जो हमारी प्रशासन से जो आज मीटिंग होनी थी वो मीटिंग भी, और मीटिंग के दौरान भी हमारे जो अगुआ लोग थे उन्होंने प्रशासन को कहा कि हमारा एक साथी जो बड़ा कर्मठ था, दिल्ली प्रदर्शन पर भी जाता था, धरनों पर भी जाता था, हमारे खाप का भी प्रतिनिधित्व करता था, वो हमारे बीच में से आज इस आंदोलन के दौरान चला गया। तो प्रशासन ने ये ऐलान किया कि हम भाई रामचंद्र के एक परिवार के एक बच्चे को एक सरकारी नौकरी देंगे। तो आज मैं दुख की घड़ी में ये कहना चाहता हूँ कि सतरोड़ खाप का एक हमारा साथी बीच में चलेगा, परंतु उसकी अस्थि पूर्ति ये भाई जगदीश जी हैं, हमारे प्रवक्ता जी हैं और हमारे उगाड़न के जो साथी हैं, वो पूरी मेहनत से उसकी अस्थि पूर्ति करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। नेताजी, जैसे लगातार किसानों की मौतें होती जा रही हैं, लेकिन सरकार इस मामले पर न्योती नजर नहीं आ रही है, ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि सरकार ने तो लगभग 450 करीब मौतें हो ली हैं, परंतु हमारा आंदोलन जारी है और रहेगा। जब तक हम आंदोलन नहीं जीतेंगे हम दिल्ली के बॉर्डरों से नहीं आएंगे और 26 तारीख को हम पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाने जा रहे हैं। 26 मई को हिसार में किसानों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर सैकड़ों किसान घायल हुए थे, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए सभी किसानों और उनके वाहनों को देर रात छोड़ दिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। उसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोमवार को हिसार आईजी कार्यालय के घेराव का एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें उगालन गाँव से काफी किसान हिसार के क्रांतिमान पार्क में पहुंचे हुए थे, जिसमें रामचंद्र खर्ब भी उनके साथ शामिल थे। जब वो पार्क में बैठे हुए थे तो अचानक उनकी छाती में दर्द हुआ और वहीं पर उनकी मौत हो गई। हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी खाप का एक मजबूत पाया था भाई रामचंद्र, आंदोलन का बड़ा योद्धा था, किसान आंदोलन में और पहले आरक्षण का आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका, पूरा उगाड़न गाँव को साथ लेके चलने वाला अगुआ लीडर था हमारा। इस हालात में आज तो हम इस भाई ने जो साथ दी है उस पर ज़्यादा नहीं कह रहे, पर ये ज़रूर है जो भाई के सपने थे, जो किसान आंदोलन की प्रमुख मांग है, 4 मांगे, उनको जब तक पूरा नहीं करा लेते, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, साधते हैं तो हमारे जिम्मा आ रही हैं, और भी देते रहेंगे। हमने ये प्रण कर लिया है कि हमारे जो साथी गए हैं उनका जो किसान आंदोलन के प्रति भरोसा था उसको टूटने नहीं देंगे और साधतों की लाइन लगा देंगे, जब तक सरकार झुकेगी नहीं पीछे हम भी नहीं। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मपाल बडाला, सतरोड़ खाप का प्रवक्ता हूँ। आज किसान आईजी का घेराव खातर गए थे, जो पिछली 17 तारीख ने आईजी ने जो षड्यंत्र रच के ने किसानों के साथ धोखा किया जी, उसके उपलब्ध बारे में आज निसार की तरफ रवाना थे। रामायण टोल से 1 किलोमीटर आगे चल रहे थे, अचानक बिल्कुल अचानक स्वस्थ आदमी था और आप गाड़ी में बैठा था, वहाँ से चले टोल पर से पेशाब करके आया था, पानी पिया था, गाड़ी में बैठते हैं, बस किलोमीटर गाड़ी चली थी, अचानक चाण तक नू का नू, ना बोलिया ना चला, ठंडा हो गया। और 27 दिसंबर से और आज लग दिन रात आंदोलन का मैं दिन था, मेरी बराबर की बात थी,
आज बेसंग बार टूट गई और फिर भी हम इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इससे भी सोया जोश के अंदर आके नर इस आंदोलन का हम भाग लेवांगे और आगे चलता करांगे। इसकी हमारे इस बात की कोई मायूसी नहीं है। हमारा भाई आज शहीद होया है, मरिया नहीं है, अमर होया है। जो एक कौम के खातर, एक पूरे समाज के खातर, एक किसान हिंदुस्तान का किसान और मजदूर के खातर जिसने अपने प्राणा की आहुति दे दी, उस आदमी को परमात्मा से अर्ज करते हैं उसकी आत्मा को शांति दे। और हम उसके जो इरादे थे उनको असफल नहीं होने देंगे, सफल करके दम लेंगे। आप दोनों टिकरी बॉर्डर पे थे? हाँ जी, दोनों टिकरी बॉर्डर पर 27 दिसंबर से लगातार हैं। कोई 5-4 दिन घर आए होंगे। क्या नाम था और कितनी उम्र थी उनकी? रामचंद्र नाम था, उसकी उम्र होगी 68 साल। आपका नाम क्या? जगदीश। रामचंद्र शुरू से ही किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे। वे अक्सर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर जाते रहते थे और करीब 15 से 20 दिन वहां पर रुकते थे और फिर वापस दिल्ली टीकरी बॉर्डर पर चले जाते थे। 2 दिन पहले ही हिसार जाने के लिए वे दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से घर आए हुए थे। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों और किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नम आंखों से किसान को विदाई दी। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।